जेसीबी ले लो भैया, जेसीबी, जेसीबी ले लो भैया, जेसीबी। पैसा नहीं है तो बाद में दे देना, जेसीबी ले जाओ भैया, जेसीबी। अरे खुश हो जाओ यार, पैसों की टेंशन छोड़ो यार, जेसीबी ले आओ, कमाओ, फिर बाद में पैसे भर दो। और जेसीबी ही नहीं, बस और ट्रैक्टर के लिए भी आप ले सकते हो लोन। कैसे? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि जेसीबी कैसे ले सकते हो, बस कैसे ले सकते हो, ट्रैक्टर कैसे ले सकते हो, और सिंपल यार कमा के दे देना। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है बॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप बस लेना चाहते हैं, जेसीबी लेना चाहते हैं, या लेना चाहते हैं ट्रैक्टर, क्या लेना चाहते हैं, और आप किस राज्य से देख रहे हैं ये जरूर बताना, ताकि आपके राज्यों का भी अपडेट लेकर आ पाऊं जल्द से जल्द। तो अब बात आती है कि कैसे लेंगे जेसीबी, कैसे लेंगे बस, कैसे लेंगे ट्रैक्टर। तो दोस्तों बस, जेसीबी, ट्रैक्टर के लिए युवाओं को लोन देगा उद्योग विभाग। कैसे? उद्योग विभाग फिर से युवाओं को बस, ट्रैक्टर और ट्रक के लिए लोन देगा। उद्योग संचालनालय विभाग ने सीएम स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में बदलाव किया है। इसमें वाहन खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा। उद्योग आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों पहले उद्योग विभाग युवाओं को वाहन खरीदने के लिए लोन देता था। 27 अप्रैल 2017 में योजना में वाहनों के लिए लोन प्रतिबंधित कर दिया गया। युवाओं द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, इसे प्रतिबंध मुक्त कर दिया है। युवा उद्योग विभाग के जरिए वाहन के लिए लोन ले सकेंगे, हालांकि इसके लिए उनके पास कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है। और हाँ, वाहनों का उपयोग कमर्शियल ही किया जा सकेगा। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही थी, जिसके तहत इन तीन योजनाओं में बदलाव करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, ये दिया क्यों जा रहा है? दोस्तों इससे बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सकेगा और गांव से होने वाले पलायन को रोक सकते हैं। सवाल ये उठता है कि किन वाहनों के लिए मिलेगा लोन? तो दोस्तों बस, मिनी बस, कार, टैक्सी कार, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर, ट्रक, गुड्स कैरियर वाहन, जेसीबी, पोकलेन, हार्वेस्टर के लिए लोन दिया जाएगा। अब एक मेन क्वेश्चन है कि इस योजना में कितना मिलेगा लोन? तो दोस्तों स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन, सामान्य युवाओं को 15% या अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लिए 30% या अधिकतम 2 लाख रुपए की सब्सिडी। आयु सीमा 45 साल है। अनादर एक क्वेश्चन है कि कृषक उद्यमी योजना क्या है? तो दोस्तों 10 लाख से 2 करोड़ रुपए का लोन, 15% या अधिकतम 18 लाख तक की सब्सिडी। योजना से युवाओं को जोड़कर कृषक उद्यमी बनाने की सरकार की योजना है। और युवा उद्यमी योजना क्या है? तो दोस्तों इसमें 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के लोन, अधिकतम 15% या 12 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसमें एज लिमिट 40 वर्ष है। और हाँ, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत पंजीकरण जारी है। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के लिए युवा स्वाभिमान पोर्टल पर पंजीकरण 12 तारीख से शुरू हो गया है। योजना के अंतर्गत 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले 21 से 30 वर्ष के आयु के शहरी युवा बेरोजगार लाभान्वित होंगे। नगरी निकाय में योजना के अंतर्गत युवाओं को 4000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। योजना के अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बार फिर बता दूं आपको, ये वेबसाइट जो है yuvaswabhiman.mp.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप या मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या लेना चाहते हैं, बस, जेसीबी, ट्रैक्टर या कुछ और? बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में, आप किस राज्य या किस जिले के हैं ये जरूर बताना, ताकि आपके राज्यों का भी अपडेट लेकर आ पाऊं मैं जल्द से जल्द। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हां दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए इसी तरह के अपडेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।